रायसेन गैरतगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देना ही शासन की पहली प्राथमिकता। विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हुए शामिल। बड़ी संख्या में इलाज कराने पहुंचे लोग। क्षेत्र को मिली कई सौगातें। प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, यह शासन की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत यह स्वास्थ्य मेला लगाया गया। इस रूप में क्षेत्र की जनता का सेवा का सौभाग्य मिला। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बात कही। नगर में आयोजित स्वास्थ्य मेला शिविर को संबोधित करते हुए बोला, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत गैरतगंज ब्लॉक में बृहद स्वास्थ्य मेले का आयोजन बुधवार को उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान पर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न प्रकार की सामान्य एवं गंभीर बीमारियों के 2056 मरीजों का पंजीयन हुआ, जिसमें यूनानी के 126 एवं आयुर्वेदिक के 102 मरीज भी शामिल रहे। शिविर में जांच एवं उपचार की व्यवस्था की गई। उत्कृष्ट विद्यालय एवं कन्या विद्यालय में भवनों के सभी कक्ष सहित खुले मैदान में पंजीयन से लेकर जांच एवं उपचार की व्यवस्था प्रबंधन द्वारा की गई। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों का उपचार किया। मरीजों को दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गई। शिविर में विशेष रूप से शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा, भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश की सरकार आमजनों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग है। क्षेत्र के बीच पहुंचकर अच्छा इलाज एवं स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से गैरतगंज सहित पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है। इस तरह स्वास्थ्य मेले लगाए जा रहे हैं, जिसका आप सभी लाभ लें। उन्होंने क्षेत्र की जनता से सेवा का यह सौभाग्य मुझे मिला है तथा भविष्य में भी यह क्रम जारी रहेगा। उन्होंने कहा है, जल्दी ही गैरतगंज को सिविल अस्पताल बनाने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। शिविर में डॉक्टर प्रसिद्ध डॉक्टर रहे, विशेषज्ञ रहे, सामान्य गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे थे। शिविर में सामान्य बीमारियों के अलावा कैंसर, श्वास, छाती रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, हृदय रोग, दांत रोग, हड्डी रोग, नाक कान गला सहित अन्य बीमारियों के भी डॉक्टर उपस्थित रहे। आवश्यक दवाइयां दी गई। इसके अलावा पोषण आहार, स्वच्छता, परिवार कल्याण, बिना चीरा बिना टाका, नशबंदी एवं एड्स की जानकारी भी परामर्श के लिए दी गई। इसके साथ शिविर में स्थल पर आयुष्मान कार्ड, 95 कार्ड एवं 190 हेल्थ आईडी भी बनाई गई। कार्यक्रम में देवनगर को एक एम्बुलेंस वाहन की सौगात दी गई। रायसेन गैरतगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। विधायक के नेतृत्व में बिजली विभाग के खिलाफ दिया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य हुए शामिल। अघोषित विद्युत कटौती, मनमाने बिल और कोरोना काल के दौरान माफ किए बिजली बिलों को वसूली करने के खिलाफ आंदोलन। कार्यालय के बाहर तपती धूप में दिया गया धरना प्रदर्शन। विद्युत व्यवस्था सुधारने को सौंपा ज्ञापन। अभी से शहर के अलावा गुलाबगंज, अटारी खजड़ा क्षेत्र की अव्यवस्थाओं पर भी जताया रोष। व्यवस्थाओं के ना सुधरने की दिशा में करेंगे उग्र आंदोलन। विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अजय कटारे, गुलाबगंज ब्लॉक अध्यक्ष हुए शामिल। इसके अलावा महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष वैभव भारद्वाज, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराज और कार्यकर्ता रहे शामिल। कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में आज बिजली विभाग के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से विदिशा के अलावा गुलाबगंज, अटारी खजड़ा क्षेत्र में लगातार अघोषित कटौती की अव्यवस्थाओं के और मनमाने बिजली के बिलों के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट।